काफी दिक्कत हो रही है, बहुत बीमारियां भी लग रही हैं लोगों को प्रदूषण की वजह से। दिल्ली के अंदर जीने के हालात बहुत खराब हो गए हैं और पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। सुबह सुबह जो ये हरियाणा में पराली जल रही है और अभी पिछले दिनों दिवाली गई है उसमें बहुत सारे पटाखे छूटे, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर जीने के हालात बहुत खराब हो गए हैं और पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी वजह से हमें सांस लेने में और आंखों में दिक्कत होती है और गले में दिक्कत होती है। तो सरकार हमारी सुन नहीं रही है प्रदूषण के बारे में, इनको कोई ना कोई उपाय पोल्यूशन के बारे में करना चाहिए। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जब मेरा ऐसा हाल है तो छोटे बच्चों का क्या हाल हो सकता है, बुजुर्ग आदमी छोटे बच्चों का बहुत दिक्कत हो सकती है उन लोगों को सांस लेने के लिए। और क्या दिक्कत होती है सर? सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा चल गए तो धाप लगती है, ऐसा होता है, आंखों में जलन होती है। इसलिए सरकार ने कुछ तो भी कदम उठा के ये कम करने के लिए कुछ तो भी कोशिश करनी चाहिए, ऐसी राय है। काफी दिक्कत हो रही है, बहुत बीमारियां भी लग रही हैं लोगों को प्रदूषण की वजह से, तो वही प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मास्क भी पहन के आने पड़ रहे हैं हमें, तो यही दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से स्कूल भी बंद हो गए। तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी आज के शेड्यूल को लेकर आप लोगों को टीचर्स से? रात को मिली थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जितने मिले उतने में बताया है कि छोटे बच्चों की छुट्टी है, बड़े बच्चों को आना है, उनके एग्जाम्स हैं बस। आज गोपाल राय जी ग्रैप 4 के इम्प्लीमेंटेशन पर एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, तो आगे के फैसले ग्रैप 4 पर क्या क्या कदम उठाने हैं उसमें लिए जाएंगे। ग्रैप के तो जो नियम सारे हैं वो सेंट्रल एयर क्वालिटी कंट्रोल के नॉर्म्स के हिसाब से किए जाते हैं, उसमें किसी भी सरकार की का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे जैसे पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ते या घटते हैं इसीलिए इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहा जाता है, तो वैसे भी इसमें किसी भी सरकार की कोई दखल नहीं है। जैसे सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन का ग्रैप का लेवल डिसाइड किया जाएगा, सरकार उस हिसाब से एक्शन लेगी।